इस वीडियो में हम देखेंगे कि सिलेंडरकर जो हीटिंग होती है ना, वो ऑफ हो जाती है ऑटोमेटिक। तो इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में जब हम कोई भी कंपोनेंट बनाते हैं तो इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में हम एक हीटिंग देते हैं उस मटेरियल के हिसाब से। तो मशीन हमारी चलती रहती है और अचानक जो उसका हीटिंग होता है, बैरल का जो हीटिंग, जैसे देखिए ये हमारा बैरल है, इस बैरल का जो हीटिंग होती है वो ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है। जैसे देखिए हीटिंग में हमारा जोन होता है फीड जोन, कंप्रेशन जोन, मैट्रिक जोन और नोजल जोन। ऐसे चार जोन होते हैं, ठीक, जिसमें हम मटेरियल के टेम्परेचर जो होती है उसको सेट करते हैं और उसके हिसाब से हीटिंग आती है, फिर हम अपने कंपोनेंट बनाते हैं। तो मशीन हमारी चलती रहती है और अचानक जो हीटिंग होती है वो ऑफ हो जाती है, बंद हो जाती है और ऑन ही नहीं होती है। तो उस वो अगर ऑफ हो जाती है जो मशीन, तो उसका क्या कारण हो सकता है, उसको हम इस वीडियो में देखेंगे। जैसे देखिए ये हमारा हीटिंग है, बैरल है, इसका जो टेम्परेचर होता है या हीटिंग, ऐसे मान लीजिए ऑटोमेटिक बंद हो गया, ठीक, और मालूम ही नहीं हुआ कि उसकी हीटिंग क्यों बंद हो गई। तो क्यों बंद हो गया उसको भी देखेंगे और उसको कैसे हम फिर से चालू करें, अगर उसका क्या क्या प्रॉब्लम आता है उसको हम इस वीडियो में देखेंगे, ठीक। तो वही हो गया कि अगर मशीन चलते चलते बैरल की जो हीटिंग होती है वो चला जाए, तो हीटिंग को ऑन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं या उसके कारण क्या हो सकते हैं, ठीक, तो देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले इसका रीजन देखेंगे, इसका कारण कि क्या कारण हो सकता है कि हमारा हीटिंग ऑन होगा या जो हीटिंग की जो टेम्परेचर होती है वो ऑफ होगा, क्यों, उसका क्या कारण है। देखिए फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, सिलेंडर टेम्परेचर हाई होना। देखिए ये हमारा है, जो ये सिलेंडर है, सिलेंडर नुमा एक होती है जिसके ऊपर हम हीटर लगाए रहते हैं, उसको बैरल बोलते हैं, ठीक। तो इस बैंड हीटर का, जो हम बैंड हीटर लगाए हैं, जो टेम्परेचर दिए हैं, ठीक, तो इसका अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा, लिमिट एक होती है, उस लिमिट से ज़्यादा हो जाएगा, तो जो बैरल का टेम्परेचर होता है वो ऑटोमेटिक ट्रिप हो जाता है, जिसके द्वारा हीटिंग ऑफ हो जाती है और मशीन बंद हो जाता है, ठीक। सेकंड पॉइंट क्या है, इमरजेंसी स्विच ऑफ। देखिए इसमें हम PLC, ये बोर्ड है, इसके पीछे का एक फेस है, उसके आगे एक स्विच होती है बटन, जिसको हम इमरजेंसी स्विच बोलते हैं, कि अगर मान लीजिए कोई मशीन में प्रॉब्लम आ गया तो उसको हम प्रेस कर देते हैं, या कोई अब नॉर्मल इसमें साउंड आने लगा मशीन में, ऐसे हमको लगा कि कुछ खराबी हो रही है या कुछ ऐसे अलग सी साउंड आ रही है, तो हम उस जो इमरजेंसी स्विच होती है उसको प्रेस कर देते हैं तो मशीन बंद हो जाती है, ठीक। तो इमरजेंसी जो स्विच होगी वो हमारे हाथ से या कैसे भी अगर प्रेस हो गया, तो जो बैरल का टेम्परेचर होता है वो इसी तरह ऑफ हो जाएगा और टेम्परेचर ही नहीं आएगा, बंद हो जाएगा। थर्ड पॉइंट क्या है, थर्मोकपल ब्रोकन आर डिफेक्टिव। यानी कि देखिए, जैसे ये हमारा थर्मोकपल है, ये हम जो लगाए हुए हैं, इसमें दो थर्मोकपल है और एक प्लस माइनस का वायर है, ठीक। तो ये बैरल, देखिए ये बैरल है, तो इस बैरल में हम थर्मोकपल जो दिख रहा है, ये थर्मोकपल इसको बोलते हैं। थर्मोकपल क्या करता है, थर्मोकपल जो टेम्परेचर होते हैं ना, उसको सेंस करता है कि कितना टेम्परेचर इसका आ रहा है, फर्स्ट जोन का, सेकंड जोन का और थर्ड जोन का, मतलब जितना जोन हो उसके टेम्परेचर कितना आ रहा है, उसी को सेंस करने का काम करता है थर्मोकपल, ठीक।
अगर हमारा थर्मोकपल डिफेक्ट हो गया हो या ख़राब हो गया हो तो भी हमारा जो टेम्परेचर होगी वो नहीं आएगी और हीटिंग ऑफ हो जाएगा। ठीक, फोर्थ पॉइंट क्या है, सिलेंडर हीटिंग मेन पेज में भी ऑफ हो जाता है। देखिए कि जो सिलेंडर का टेम्परेचर है ना, एक पीएलसी में मेन पेज होती है, ठीक, उस मेन पेज में हम हीटिंग को ऑन करते हैं, जो पेज में लिखा रहता है उसको ऑन करेंगे तो हमारा टेम्परेचर ऑन होगा। जैसे मिलक्रान मशीन में देखिए फर्स्ट पेज पर ही रहता है, तो उसको जब तक हम ऑन नहीं करेंगे प्रेस करके तब तक हमारे हीटिंग आएंगे ही नहीं। तो वो भी अचानक या ऑफ हो गया प्रेस होके तो हमारा हीटिंग चला जाएगा और मशीन बंद हो जाएगी। तो हीटिंग ऑफ होने का वो भी कारण हो सकता है कि जो मशीन का मेन पेज होता है जिसमें हम हीटिंग को ऑन करते हैं वो उसका भी ऑफ होना। ठीक, तो हम इस वीडियो में देखें कि अगर सिलेंडर का जो टेम्परेचर है चलते चलते मशीन ऑटोमेटिक ऑफ हो जाती है तो उसका क्या कारण हो सकता है। तो उसका हम कारण देखें कि सिलेंडर का जो टेम्परेचर होती है वो हाई हो जाती है, इमरजेंसी स्विच का ऑफ हो जाना, थर्मोकपल का ब्रोकन होना या डिफेक्टिव होना, सिलेंडर का टेम्परेचर का जो मेन पेज होता है उसमें ऑफ होना। तो इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में जो बैरल का टेम्परेचर ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है तो उसको ये सभी कारण होते हैं कि वो ऐसे ऑफ हो गया है। ठीक।